पाकिस्तान के नए कोच का हुआ ऐलान। वर्ल्ड कप 2023 से पहले महेंद्र सिंह धोनी बने टीम पाकिस्तान के कोच। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान के हेड कोच शकलेन मुश्ताक और उनकी टीम का कार्यकाल फरवरी में खत्म होने जा रहा है। उनकी जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी नए कोचिंग स्टाफ की तलाश में जोरों शोरों से जुटा हुआ है। हालांकि पीसीबी चेयरमैन नजम सेट्टी की कोशिशें परवान चढ़ती नजर आ रही हैं। पीसीबी शकलेन मुश्ताक को हेड कोच के पद से हटाने का मन बना चुकी है। टीम के बॉलिंग कोच शॉन टेट भी न्यूजीलैंड सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया लौट गए हैं। पीसीबी टीम के लिए विदेशी हेड कोच चाहता है, जिसके लिए लगातार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नए कोच की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी पाकिस्तान टीम के नए कोच बन सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं, साथ ही उनके कप्तानी में ही भारतीय टीम ने 3 आईसीसी के खिताब जीते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी या उनके जैसा कोई सफल कप्तान टीम के लिए कोचिंग करता हुआ नजर आए, जिससे कि पाकिस्तान की टीम की सूरत बदल जाए। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को कई खिताब जिताए हैं। ऐसे में वो या उनके जैसा कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान टीम का कोच बनता है तो ये पाकिस्तान के लिए सौभाग्य की बात होगी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पीसीबी पाकिस्तान टीम के लिए कौन से कोच को नियुक्त करती है। जल्द ही इसकी तलाश खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका अनाउंसमेंट कर देगी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।